लोकसभा में इसको लेकर। वो फैसला न्यायपालिका का है। शायद दुनिया में भारत की जुडिशरी की स्वतंत्रता सर्वविदित है, तो इससे साफ है कि वो विदेशी धरती पे जाकर के अपने न्यायपालिका के द्वारा दिए गए फैसले पे भी सवाल उठा रहे हैं, न्यायपालिका के फैसले पे इसका मतलब आरोप लगा रहे हैं। ये कोई कार्यपालिका का, कोई सरकार का डिसीजन उनके खिलाफ नहीं था। अब अगर किसी न्यायपालिका ने बार बार उन्हें समन किया, उन्हें अवसर दिया, और जिस तरीके से उन्होंने इसके बावजूद भी वो फैसला हुआ है, तो उन्हें खुद इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की नफ़रत की, हेट्रेट की स्पीच नहीं होनी चाहिए थी। कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि आपको अपने हेट्रेट या जिस तरह से नफ़रत आपने किसी कास्ट और किसी राज्य को लेके किया है, क्या इसको रियलाइज करते हैं, इसको वापस लेना चाहते हैं, उस पर भी वो नहीं तैयार हुए। तो मुझे तो लगता कि वो एक देश में ऐसे दुर्भाग्य है कि विपक्ष में नेता हैं लेकिन उनको शायद न भारत के संविधान में आस्था है, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, न भारत की न्यायपालिका में उनका कोई विश्वास है और न भारत की व्यवस्था में। नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से अभी विवाद कमेटी बनाई गई है ताकि शांति बहाल हो इसको? देखिए, कभी ऐसा हुआ कि अगर कहीं ऐसी परिस्थितियाँ हों तो देश का स्वयं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वहाँ पर लगातार 2-3 दिन के दौरे पे गए हैं और वहाँ सभी से, महिलाओं से बात किया, लोगों से बात किया, हर वॉक ऑफ लाइफ से अधिकारियों से बात किया और कहा हर हालत में शांति बहाली की जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी ईस्ट लुक की पॉलिटिक्स है या हम पॉलिसी है कि हम ईस्ट लुक मतलब पूर्वोत्तर, हर मंत्री को एक माह में जाना रहता है, जिस तरह से हमने पूरे उस नॉर्थ ईस्ट को वहाँ पर एक एयर कनेक्टिविटी दी है, रेल की कनेक्टिविटी दी है, पूरे देश के साथ जोड़ने का काम किया है, अभी स्थानीय एक समस्याएं हैं उस पर भी भारत सरकार स्वयं पहल कर रही है कि इस तरह की समस्याओं का समाधान हो। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि रोड मार्ग जो है अवरोध नहीं हमारे बल्कि विकास के साथी के लिए नया आयाम लिखेगा। मैं तो धन्यवाद दूंगा इसलिए कि मेरी लोकसभा सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर पर है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, सबसे पहला दौरा उन्होंने अपने पड़ोस में नेपाल में किया, वहाँ की संविधान सभा को संबोधित किया। जिस तरह से नेपाल के एमपी, नेपाल के सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया, आज जिस तरह से नेपाल की जनता में नरेंद्र मोदी जी के लिए भाव है और जिस तरह से वो भारत और नेपाल की मित्रता को बराबरी के आधार पर आगे ले जाना चाहते हैं, और आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो पिछली कांग्रेस की सरकार में स्टकअप थे, उन प्रोजेक्ट्स को चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रहे हों, चाहे उलाकी की रोड्स का रहा हो, या उस तरीके के प्रोजेक्ट्स को भी फंडिंग किया और उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सहयोग दिया, आज भी बायलेटरल हुआ। और जिस तरह से सीमाएँ खुली, पहले आए दिन सब सीमाएँ बंद हो जाती थी, आए दिन जिस तरीके से नेपाल में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा था, आज वो चीज़ भी कम हो रही है और नेपाल के लोग भी इस बात का एहसास कर रहे हैं कि भारत ही हमारा मित्र है। विपक्ष 12-24 की तैयारी 2024 की करें या आगे की करें, ये तो एक स्वार्थों की रैली हो रही है, अपने अस्तित्व को बचाने की रैली हो रही है। आज ये कोई गठबंधन सिद्धांतों पे नहीं है, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। क्या आज भी कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आप पार्टी और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति, या ममता बनर्जी का राहुल गांधी के प्रति क्या स्टैंड है? तो जब तक आपस में वो मनभेद नहीं दूर होंगे, मतभेद तो ही हैं, मनभेद नहीं दूर होंगे, तो ये गठबंधन सिद्धांतों का नहीं, केवल अपने अस्तित्व और स्वार्थों का है, और स्वार्थों पर कोई चीज़ टिकाऊ नहीं होती है। कल राजस्थान गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बिजली फ्री देंगे लोगों को, रेवड़ी पॉलिटिक्स वहाँ जा रही है अभी चुनाव से पहले। 5 साल तो कुछ नहीं किया, अब जब चुनाव सामने है तो उस समय 100 यूनिट बिजली फ्री देने की अशोक गहलोत बात कर रहे हैं, इससे साफ है कि अब राजस्थान में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की कल मेयर की रैली हुई है, वो इस बात का साफ है कि राजस्थान में परिवर्तन होना है
और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।